हुकूमत सिंध ने ठेकों में बेकायदगियां रोकने के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। पहले ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर खरीदारी करते थे जिसमें बेकायदगियां होती थी, गैर जरूरी अशिया खरीदी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। महकमा खजाना सिंध ने तमाम महकमों को लेटर जारी कर दिया। इस हवाले से हमारे साथ मोहम्मद अली उबड़ू हैं, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी मोहम्मद अली, हुकूमत सिंह ने ठेकों में बाकायदगियां रोकने के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी, इस हवाले से बताइएगा। जी हुकूमत सिंह ने बेकायदगियां रोकने के लिए तरक्याती मनसूबों में गाड़ी, फर्नीचर, एयर कंडीशन और तदैन आरश की एशिया केबल कैपिटल कंपोनेंट के लिए जो है एक नई पॉलिसी जारी कर दी है ताकि जो है बेकायदगियों को रोका जा सके। वैसे देखा जाए तो हुकूमत सिंध ने एक तरह से एतराफ किया है कि पहले इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर एशिया खरीदते थे जिसमें माली बेकायदगियां होती थी और गैर जरूरी एशिया खरीदी जाती थी, जिसको रोकने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। सिंध हुकूमत के मुताबिक ऐसी पॉलिसी लाने से एशिया खरीदारी में बेकायदगियां खत्म हो जाएंगी। महकमा खजाना की जानिब से जारी किए गए मरासले में तमाम महकमों को हुकूमती पॉलिसी के बारे में आगाह किया गया है कि तस्दीक शुदा इंतजामी मंजूरी दी जाए, काम करने वाले ठेकेदारों के नाम तहरीर किए जाए, फॉर्मेट में जहाँ से चीजें खरीदी जाए उनका भी तफसील जरूर दिया जाए। नए तरक्याती मंसूबों के लिए अलग फॉर्मेट दिया गया है जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम नंबर, स्कीम की लोकेशन या जिला, ठेकेदार का नाम, मुतलका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फंड सेंटर, कोड कास्ट सेंटर, मंजूर शुदा रकम और रिमार्क्स के तफसीलात भी लिखे जाएंगे। मरासला में हिदायत की गई है कि वो इस गाइडलाइन पर अमल करे ताकि बेकायदगियां रोकी जा सके। जी जी शुक्रिया मोहम्मद अली तफसीलात से आगाह करने का।